सो गाइस कैसे हो। तो फाइनली चार दिन के बाद BGMI का न्यूज कवर कर रहा हूँ एंड जिसमें आप लोगों को बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में एंड साथ में बहुत सारा कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा BGMI का कि BGMI का नया नाम आने वाला है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 2.2 अपडेट आएगा कि नहीं आएगा वो भी कन्फर्मेशन हो जाएगा एंड जो लेटेस्ट न्यूज आया ये तीन चार दिन में वो भी कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ जेन्युइन कॉन्टेंट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं BGMI की, क्या सच में नाम चेंज होकर आने वाला है, BGMI के न्यू नेम आने वाला है। अब ये चीज कहां से निकला मैं सबसे पहले बताता हूं। तो रूटर एप्लीकेशन आप लोग सब जानते हो, तो रूटर एप्लीकेशन में क्या हो रहा था ना, सेटिंग्स में जाने के बाद अपना जो फेवरेट गेम वाला सेक्शन रहता ना वहां सिलेक्ट करने पे BGMI का भी ऑप्शन था एंड बैटल रॉयल का भी। ये वाला स्क्रीन आप लोगों को दिखता होगा, ये चीज शो कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि नाम चेंज होने वाला है एंड एक चीज देखा जाए तो रूटर लिंक्ड भी है यहाँ पे क्राफ्टन टीम से। आप जानते हैं रूटर लिंक नहीं रहता तो यूसी अभी तक कहां से मिलता है, कहीं यूसी नहीं मिल रहा बट रूटर में मिल रहा है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि रूटर और क्राफ्टन का मतलब लिंक तो है। बट ये चीज का कंफर्मेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन भी किया, यहाँ रूटर के टीम से मैंने बात करती, ये बोले बस ग्लिच था ये फिक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ग्लिच था एंड अभी आप जाके चेक करिए। देखिए मैं जा रहा हूँ सेटिंग पे, यहाँ फेवरेट गेम पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ बस BGMI का ऑप्शन है, बैटल रॉयल हट चुका है। तो बस ये एक ग्लिच था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ न्यू नेम्स आएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगा एंड नाम चेंज होगा तो बैटल ग्राउंड से बैटल रॉयल, इसमें क्या फर्क पड़ा यार, बैटल ग्राउंड इधर बैटल रॉयल हो जाएगा, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि गेम अनबैन हो जाए ये नाम रखने से। तो ये कुछ मतलब बात ही नहीं बन, तो ये सीन ही नहीं था यार नाम चेंज वगैरह, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज नहीं है। और मेन मुद्दा का बात करें तो यहाँ पे BGMI को देखा जाए तो वैसा बैन नहीं लगा जैसे PUBG मोबाइल एंड फ्री फायर या अदर ऐप को लगा था, क्योंकि अभी तक नोटिस वगैरह नहीं आया गवर्नमेंट के साइड से जिससे ये चीज तो कंफर्मेशन गेम अपना 100% रिटर्न आएगा। बट हाँ ये चीज है कि गवर्नमेंट ने टाइम दिया है यहाँ पे BGMI को कि आप सारा चेंजेस कर दीजिए फिर हाँ आप लोगों का गेम रिटर्न आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस था ना, मतलब जो डेटा प्राइवेसी वाला यहाँ चेंजेस था, तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ जो प्राइवेसी था कि डेटा शेयरिंग हो रहा है, तो ये वाला चीज अभी तक फिक्स हो चुका है, ऐसा अंदर से पता चल रहा है ये न्यूज कि फिक्स हो चुका है। बट हाँ गेम डिले अगर होता है तो बस एक रीजन से डिले होगा, NGO यहाँ आप जानते हैं NCPCR चाइल्ड वाले, तो ये सब मतलब ये मुद्दा आ जाएगा जिसके चलते कि चाइल्ड बिगड़ रहा है, इसके चलते गेम खेल रहा है, अब्यूज कर रहा, गाली दे रहा है, पैसे पेरेंट्स का पैसे ले रहा है, पूरा पैसे उड़ा दे रहा है यहाँ यूसी वगैरह के चक्कर में, वायलेंट हो जा रहे हैं, कोई कोई मर्डर वगैरह कर देते, ये सब मुद्दा के चलते ना थोड़ा सा गेम डिले हो सकता है। बट हाँ पेशेंस रखना, गेम तो आएगा। और कल के दिन यहाँ पे सिवा नैन भी आप जानते हैं स्काई स्पोर्ट के फाउंडर, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला जिससे काफी होप भी मिल रहा है BGMI का कमबैक से रिलेटेड, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि इंडस्ट्री अभी जो ये क्वेश्चनेबल लगता होगा बहुत बहुत सारे लोगों को, मतलब गेम का चलते, क्योंकि यहाँ फ्री फायर BGMI अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लिखा ट्रस्ट करिए प्रोसेस को, इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग ऑल मूव वेरी केयरफुली, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने सारा मूव बहुत केयरफुली ले रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से बैन कर दिया, सारा कुछ देख रहा है ई स्पोर्ट वगैरह को, हर कुछ को, इसका पीछे का मतलब ये बोलने का सब कुछ को देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट काम कर रहा है। एंड साथ में ये भी लिखा हुआ डाउन द टाइम द फ्रेमवर्क फॉर गेमिंग एंड ई स्पोर्ट, मतलब जो गेम फ्रेमवर्क जो है मतलब गेमिंग का और ई स्पोर्ट का काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाला फ्यूचर में इंडिया का, ई स्पोर्ट और गेमिंग फ्यूचर है ठीक है, और बिलीव करिए इसमें, ये चीज लिखा हो बिलीव इन इट, ये सब चीज मतलब ना थोड़ा होप बढ़ा रहा है कि सब कुछ मतलब सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा फैसला ही नहीं लेगा कि ई स्पोर्ट एकदम खत्म ही हो जाए, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे BGMI एंड फ्री फायर ये सब में ज्यादा मतलब एक्टिव थे। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ whoever has a strong vision they will survive and achieve bigger things in India, till then keep grinding करिए and focus करिए process में e-sport के तरफ से। तो ये चीज एक अच्छा थोड़ा सा होप लग रहा है, ये सारा कुछ देख के अच्छा सा फील आता है अंदर से। एंड सेकेंड एक और पोस्ट डाला गया था स्टोरी जो और भी अच्छा लगा देख के कि glad to have meet मिस्टर वायरन गॉस एंड अदर गवर्नमेंट एंड टास्क फोर्स डेलीगेट, मतलब एक मीट टाइप का हुआ, मीटिंग भी बोल सकता है, वायरन गॉस के साथ गवर्नमेंट के टीम के साथ एंड टास्क फोर्स डेलीगेट के साथ। एंड ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि जो पॉलिसी रहेगा विल बी इन द प्लेस जहाँ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री कंटिन्यू टू कम टुगेदर, गवर्नमेंट और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री ये साथ में रहने वाला है, किस लिए, टू गिव द गेमिंग सेक्टर अ न्यू अ बिग पुश, मतलब बड़ा पुश देने के लिए। तो ये सब कुछ गेमिंग का अगर बात आता है तो यहाँ पे BGMI का बात एकदम आप लोग सोच ही सकते हैं, ये BGMI का लेके ही इनडायरेक्टली बोला गया होगा। बाकी कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं आया जो यहाँ सिवा नैंदी ने पोस्ट डाला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड सबसे मेन क्वेश्चन का बात करें, अब 2.2 अपडेट BGMI में आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ एक डेट निकल के आ गया सारे वर्जन में कब कब आने वाले मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए PUBG मोबाइल का पहला डेट 13 तारीख से, ये महीना का 13 सितंबर से आना शुरू हो जाएगा
एंड जो लास्ट डेट रहेगा वो 15 तारीख तक सारे जगह पे मिल जाएगा, एंड पबजी वियतनाम में यहाँ पे 13 तारीख को मिल जाएगा एंड पबजी केआर में 14। एंड बीजीएमआई का बात करें तो यहाँ बीजीएमआई का अभी तक कोई डेट कंफर्मेशन नहीं, गेम अनबैन हो जाता है तो कंफर्म ये भी 15 तारीख को आ जाएगा हम लोगों का। तो 50% ऐसा चांसेस है कि हम लोगों को 2.1 अपडेट के साथ ही खेलना पड़े, मतलब हम लोगों को नॉर्मल इरेंगल के साथ पूरा खेलना पड़े एंड सीजन भी चेंज नहीं हो जी हाँ, अपना यही सेम सीजन के साथ खेलना होगा। मतलब इस बार सबका कॉन्करर हो जाएगा भाई, ये कॉमेडीज अलग रहा, कॉन्करर सब लोग पहुंच जाएंगे 50%। ऐसा भी सब लोगों का कहना है ना, जो मैंने बहुत लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि जैसे बीटा वर्जन में यहाँ इन गेम अपडेट आता है, ऐसा यहाँ पे हम लोगों को बीजीएमआई में भी इन गेम अपडेट देखने को मिल जाए। तो अगर डेवलपर काम कर रहे 2.2 अपडेट बना दिए तो ऐसा हो सकता है कि आप गेम खोलिएगा इन गेम अपडेट 400 MB, 300 MB या 500 MB का आ जाए जैसे बीटा वर्जन में आता है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट इतना बड़ा आज तक ऐसा कोई भी इन गेम अपडेट इतना बड़ा देखने को नहीं मिला, सिर्फ बीटा वर्जन में ही देखने को मिला, तो थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है। तो बस ये तो क्लियर हो जाएगा, गेम अगर अनबैन हो गया तो 100% हम लोगों का 2.2 अपडेट आ रहा है, गेम अनबैन नहीं होता है तो इन गेम अपडेट नहीं आया तो बस नॉर्मल इरेंगल के साथ हम लोगों को और 2 महीना खेलना पड़ेगा। तो जितने सारे चीजें बीजीएमआई से लेके सारा चीज वायरल चल रही थी मार्केट पे, तो सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दिया। वो वीडियो से आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद।